निजी स्कूलों ने फीसों में इजाफे के मामले पर हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया। बच्चों की फीसों में 26% इजाफा करके 2 माह की फीस 42,000 रुपए कर दी। जितना स्कूल का नाम ऊंचा उतना ही फीसों में इजाफा। स्कूलों की बेजा मनमानियों और फीसों में इजाफे के खिलाफ बिलाखिर वालदैन चीख उठे। सोशल मीडिया पर नो फी टिल लो फी के नाम से शुरू की गई वालदैन की जानिब से मुहिम। ये है कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद के रिहायशी जवाद, जो वालदैन की मुहिम का हिस्सा है। जवाद के 3 बच्चे एक निजी स्कूल में जेरे तालीम हैं और तीनों बच्चों की फीस में 26% इजाफे के बाद फी बच्चे की 2 माह की फीस 42,000 रुपए तक जा पहुंची है। जवाद परेशान है कि इतनी आमदनी नहीं जितना फीसों में इजाफा किया गया है, इसीलिए फीसों में कमी के लिए गाड़ी पर बैनर लगा इस सरापा एहतजाज है। लास्ट 3 सालों में एक साल उन्होंने 16%, एक साल 14% और इस साल 26% फीस इंक्रीज कर दिया। सिर्फ एक क्लास की नहीं, तमाम क्लासों में अलग अलग तरीके से फीस इंक्रीज कर दी उन्होंने। तो बस हमारा यही है कि हमने कैंपेन चलाई है नो फी टिल लो फी। जवाब की तरह कई वालदैन फीसों में इजाफे के मामले पर बेहद परेशान हैं। महंगाई के इस दौर में फीसों में 26% इजाफा किसी को मंजूर नहीं। हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फीस सबमिट नहीं कर रहे हैं टिल दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट। सोशल मीडिया पर भी इस मुहिम ने तमाम वालदैन की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। वालदैन का कहना है कि उनकी कोशिश है कि पुरअमन एहतजाज के जरिए बच्चों को अपनी चादर के हिसाब से मियारी तालीम दिलवा सकें। नो फी टिल लो फी, ये आवाज़ है उन वालदैन की जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल इंतजामिया मनमानियाँ करके दिन ब दिन फीसों में बेहद इजाफा करते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साहिल लोधी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ऑलराइट, हम अच्छा शो करेंगे। थोड़ा संजीदा टॉपिक है लेकिन अच्छा शो करेंगे। थोड़ी बातचीत करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक पर जाऊँ, टॉपिक आप सुन चुके हैं, एक बात मुझे आपसे करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम के अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। अबाउट कपल डेज बैक आई हैड दिस लिटिल किड ऑन माई शो, हिज नेम इज़ अरबाज़ खान, वी ऑल नो हिम बिकॉज उसने वो 12 साल का लड़का, 13 साल का लड़का और वो मतीरा के साथ झूठा वो सब गाया है। ब्रिलियंट, वेरी टैलेंटेड। आई डोंट वांट टू से एंड आई डोंट वांट टू नेम टीवी चैनल्स एंड आई डोंट वांट टू नेम टीवी प्रोग्राम्स। फॉर हेवन्स सेक, डोंट कंसिडर योरसेल्फ गॉड्स, यू आर नॉट, वी आर नॉट डेमी गॉड्स प्रिटेंडिंग टू बी कि जी हम लोग ये हैं ये हैं ये हैं। बच्चे को चांस दीजिए, हम अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई डोंट गेट दिस, I just don't get this. Who gives anyone the right to talk upon someone? You know, you aise ajeeb aise usse baat karte hain jaise pata nahi, he's come all the way from Islamabad here in to Karachi to our shows. Usko support karne ke bajaye, I don't know uske sath hum kaisa salook karte hain. I'm just being very vocal about it, very very vocal about it, and downright I'm talking to all my peers, all my friends. यही बच्चा जब हिंदुस्तान चला जाएगा, जब उस पर स्टैंप लगेगी, जब उस पर ठप्पा लगेगा, जब वो यहां आएगा तो हम भागेंगे उसके पीछे, लेकिन इसी बच्चे को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। इट्स रिडिकुलस। दिस इज हाई टाइम व्हेन वी स्टार्ट सपोर्टिंग आवर पीपल। दिस इज हार्ड टाइम। दिस इज द टाइम वेयर यू से वी ड्रॉ द लाइन। नो वन केयर्स इन इंडिया कि आप क्या हैं क्या नहीं है। नो वन केयर्स। If you don't make them money, they're not going to hire you. Yesterday he came to my radio show and I was just boiling. Literally I was boiling. This little kid had tears in his eyes. मुझे समझ में नहीं आया, अगर ये मेरा बेटा होता और मेरे बेटे को इस सब हतकामज रवैये का सामना करना पड़ता तो मैं क्या महसूस करता? मेरी बेटी होती। वालदैन के लिए बच्चे सबसे कीमती सरमाया होते हैं। जब कोई वालदैन अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं तो क्या सोच के भेजते हैं? सिर्फ एक बात सोच के भेजते हैं ना, यू नो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग टैलेंट। आज अगर आप टेलीविजन की छोटी सी स्क्रीन पे है ना, कल नहीं होंगे। ये दौर बड़ा जालिम है, बहुत जालिम है, खत्म करके चला जाता है। कुछ नहीं होगा आपके पास, एक कमरे में बैठ के शाम को चाय पियेंगे और पुराने वाकयात याद करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। नए लोग आएंगे और आपकी जगह ले लेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। द ओनली वे द लेजेंड कंटिन्यूज। इट गेट्स द बेस्ट ऑफ मी एट टाइम्स। द ओनली वे द लेजेंड कंटिन्यूज इफ
यू कीप बीइंग वन, अदरवाइज इट डजंट. तो प्लीज सपोर्ट हिम, सपोर्ट आवर किड्स, सपोर्ट आवर टैलेंट. पाकिस्तान का टैलेंट है और पाकिस्तान के टैलेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा. एंड अरबाज, दिस इज गोइंग आउट टू यू, आई लव यू बेटा. ऑलराइट, अब ये तो उस बच्चे की बात थी, अब एक और बच्चे की बात हो जाए जो आपका बच्चा हो सकता है, जो इनका बच्चा हो सकता है, जो किसी का भी बच्चा हो सकता है. सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में तालीम का है. मेरे ख्याल में एक स्कूल हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी खोल देना चाहिए, बिकॉज उनको तालीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहा मैं किसी भी स्कूल का नाम नहीं ले रहा. और हमारे पॉलिटिशियंस का तो वैसे भी किसी स्कूल से वास्ता नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ से जाते हैं. वो एक मदरसे में ज़रूर जाते हैं जो एक सफ़ेद रंग के बहुत बड़े महल से वाबस्ता है. उस महल में एक बहुत काला सा आदमी बैठा है और वो काला सा आदमी इनको बताता रहता है कि क्या क्या तुमने सफ़ेद चीज़ें करनी हैं, और वो सफ़ेद चीज़ें कर करके पाकिस्तान में भरते रहते हैं. बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, दैट्स नॉट अ पॉलिटिकल शो. सो हम इसको किसी सितारे में इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में तालीम का है. आज हमने कुछ पेरेंट्स को यहाँ दावत दी है. स्कूल की फीसेस को बढ़ा दिया गया है, 17-25% उसको बढ़ा दिया गया है. इससे पहले कि मैं अपने पेरेंट्स का यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका तारुफ करवाऊँ, चल के आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ. सबसे पहले वो देख लें, उसके बाद विल कंटिन्यू विद दिस. प्लीज वॉच दिस. प्राइवेट स्कूल्स मनमानियां करने से बाज ना आए तो प्लेकार्ड्स उठाए वालदैन सड़कों पर आ गए. एहतजाज किया कि अचानक फीसों में किया गया इजाफा वापस लिया जाए. प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि मैनेजमेंट तक हमारी बात पहुंचाई जा सके कि ये इजाफा का कुछ रूल या कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, किस हिसाब से इजाफा किया जा रहा है. एटलीस्ट 5-10% इज जस्टिफाइबल, बट नॉट लाइक 30-35%. उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा अब्रॉड इजाफा कर दिया फीसों में कि जो पेरेंट्स सारे कमर टूट गई है कि यार कैसे अफोर्ड करें. अगर आप अपना बिल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्कूल की फी भी अफोर्ड कर सकते हैं, मंडा अपने बच्चों को कहीं और ले जाएं. सिर्फ इसी स्कूल के नहीं, शहर के बेशतर स्कूल मनमानियां कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं. ये सारी चीजें हैं, लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है भाई इतनी सारी जो आप तालीम को इतनी महंगी कर दी, तिजारत बना दी है तालीम को, इसका सदबाब क्या है? इनको सोचना चाहिए कि फीसें जो है कम से कम रखें और ताकि जो गरीब है वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके. ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादती है, ऐसा होना नहीं चाहिए. और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर सोच विचार करें. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर रफिया मल्ला का कहना है कि किसी ने शिकायत ही नहीं की, कार्रवाई कैसे करें? हमारे पास इस किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई है पर्टिकुलर जिस स्कूल के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं और जहाँ जो एलीट स्कूल है. अगर कंप्लेन आती है तो डायरेक्टोरेट इस पर फुल एक्शन करती है. वालदैन का मुतालबा है कि प्राइवेट स्कूल्स को लगाम दी जाए ताकि वो मनमानियां करने से बाज आएं. कैमरामैन एरिक परेरा के साथ फैसल खान, समा कराची. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच. और आज हमारे साथ जो पेरेंट्स मौजूद हैं उसमें शम्सुल अहद जुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो. शम्स साहब के लिए बहुत सही तालियां. उनकी बेगम हैं गालिया अहद जुबैरी, इनके लिए बहुत सारी तालियां जी. हमूद जाफरी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इनके लिए बहुत बहुत सारी तालियां. इनके बराबर में हैं शहजाद वसीम साहब, इनके लिए शहजाद फैसल सॉरी. मैं चेंज इसलिए नहीं करता कि इंसानों को गलती हो जाती है. शहजाद थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद के लिए, बहुत सारी तालियां. अनिका कमर साहब अजहर, इनके लिए बहुत सारी तालियां. देर ऑल पेरेंट्स, आप लोग जरा खुल के बचा लें, कोई बात नहीं. हाँ, वेरी गो, अच्छे पता होना चाहिए. एंड देन उरूसा उस्मा, उस्मा गॉड, आजकल नाम बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं. उरूसा उस्मा के लिए बहुत सारी तालियां जी. ऑफ कोर्स इनके लिए तो बजेंगी. ये आपको कोर्ट नंबर 5 में लेके जाती हैं. वो क्या, वेरी गो. आप गाइस आर विद अस एंड हम इन्हें डोरियापा कहते हैं. शी इज तमगा इम्तियाज, PhD हैं, एजुकेशन से बेतहाशा ताल्लुक रहा है. डॉक्टर दुर्दान भट्ट साहिबा, अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं? इनको देख के मुझे एक ख्याल होता है कि बंदा को डॉक्टर जरूर होता है लेकिन कूल डॉक्टर कैसा होता है? कूल डॉक्टर ऐसा होता है. डॉक्टर मोइस, बहुत सारी तालियां. नाउ टेल मी, वेयर डू वी स्टार्ट. तालीम में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? जाहिर है हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है. आप लोगों से शुरू करते हैं, यू आर द पेरेंट. तो टेल मी, कितने परसेंट इंक्रीज़ कर दिए गए? अच्छा, ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. रीज़न इज़
क्योंकि आज 25% इंक्रीज हुई है, अगले साल 50% इंक्रीज हो सकती है, फिर उसके बाद 75%, और एक वक्त आएगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकेंगे। तो आज आपने टेलीविजन को ट्यून आउट नहीं करना है, किसी और चैनल पर नहीं जाना है, यहीं रहना है, कॉल करनी है मुझे आपकी, मुझे पेरेंट्स की कॉल चाहिए। आप अगर आज प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद कल कुछ चीज़ें बेहतर हो सके। आपसे शुरू करते हैं शहजाद। चलें, इसमें ये है कि अगर फीस, अच्छा खुल के बोलना है, नो होल्ड बाज, बिल्कुल नो होल्ड बाज प्लीज। अगर इसमें आपका जो हम लोग देख रहे हैं पिछले चंद सालों से, तो उसमें ये हुआ है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया। ठीक है, लाइक व्हेन वी वर डूइंग द एमबीए और बीबीए समथिंग लाइक दिस, तो हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स वगैरह को ये सोचना पड़ता था हायर एजुकेशन कैसे करवानी है। नाउ वी आर थिंकिंग कि हमें बेसिक एजुकेशन कैसे करवानी, एलिमेंट्री कैसे करवानी, एग्जैक्टली। और उसमें जो इंक्रीज ऑफ फीसेज हैं समथिंग लाइक फ्रॉम 17 to 25%, सो हाउ वी गोना कोप अप एंड वेयर वी गोना एंड अप, दैट इज माई क्वेश्चन बेसिकली। क्योंकि हमारे पास स्कूल्स की तरफ से कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि अच्छा ठीक है आपका बच्चा अगले 10 सालों में यहाँ आपने एंड अप करना है और आपने इतनी फीस देनी है, ठीक है, बट देर इज नो क्राइटेरिया फॉर द परसेंटेजेस, वेयर वी गोना एंड अप, दैट इज माई क्वेश्चन। अच्छा मैं एक, इस सिलसिले में जी आप बात कीजिए, सिर्फ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप सबसे, करना चाहता हूँ, स्कूल की फीसेज बढ़ती क्या महंगाई की वजह से हैं, या ऑल ऑफ अ सडन दे डिसाइड कि एक सेट क्राइटेरिया है हर साल इतने परसेंट हमको बढ़ा देनी है? ये मैं अभी आपसे बात करूंगा, एक टेलीफोन कॉल पहले ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी आयशा, कैसे हैं? साहिद भाई आज तो बहुत अच्छी बात है, आपने वालदैन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक, और हकीकत बात है हम चैनल के आगे से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, क्योंकि हमें अपनी दिल की बात कहने के लिए सोचते थे कैसे बात करें, आज इस चैनल के थ्रू हर वालदैन के दिल की आवाज निकल रही है। बहुत खुशी हुई आज सबके लिए, बहुत बहुत बार बार की आपने इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हम वालदैन है, हमारी एक बेटी है, हमने उसे एडमिशन करवाया, और जिस वक्त हमने उसका एडमिशन करवाया उन्होंने कहा कि जो इस वक्त फीस है इसकी मैट्रिक तक यही रहेगी, प्राइवेट स्कूल का मैं नाम नहीं लेना चाहती। और आप यकीन करें प्ले ग्रुप से लेके और KG 2 KG 3 तक इतनी फीस अदा कर दी कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा अभी ये 1 क्लास में जाएगी और जब 10 में जाएगी इतनी सैलरी नहीं है जितनी ये फीस बढ़ा दी है। तो साहिब भाई हम लोगों ने तंग आके उस स्कूल से उठा दिया उस बच्ची को, जबकि मेरी बेटी की बेस बन रही थी। जब बनते बनते उन्होंने क्या किया कि देखा कि अब ये वालदैन ऐसे करने लगे हैं, उन्होंने क्या किया इतने बड़े स्कूल में फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं, दूसरा मेरी बेटी गिर गई और मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि जाए जी इससे ये गिर गई थी और इससे चोट लग गई है। तो दागे बंदो तुम चोट के पैसे ले रहे हो, तुम लोग हमसे फीसें ले रहे हो, अपने तुम फंड इकट्ठे करके बिल्डिंग बना रहे हो। मैं तो कहती हूँ ऐसे स्कूलों को बिल्कुल ब्लॉक कर दें, ये गवर्नमेंट के स्कूल है ना, अगर 10 रुपए फीस में पढ़ा रहे हैं ना, गवर्नमेंट की पढ़ाई से जो है ना पढ़ाई जो प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक ज़रा थोड़ी सी बात कर लें अली, फिर एक ले लेते कॉल। हाँ जी जी प्लीज़ डू। पहले तो मैं अपने मुर्शिद की इजाज़त से यहाँ बात करना चाहूँगी, बाबा आतिफ अनवरी ज़हीनी काजी। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द ओल्डर द पर्सन द मोर द हिस्ट्री बिहाइंड दैट पर्सन। तो बिकॉज आई बीन इन एजुकेशन, मेरा वास्ता एजुकेशन से रहा है और शुरू से रहा है। मैं 1974 में स्टार्ट किया था आफ्टर डूइंग माय एमबीए फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। उस वक्त ये आप, मैं आपको बताऊं कि आप लोग सर्च करते रहते हैं कि हम किसको कहें। सबसे तो पहले मेरा ये सवाल है कि 1974 में जब जियाउल हक साहब ने इसको प्राइवेटाइज किया था तो उस वक्त कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी थी कि ये प्राइवेट स्कूल इतना आप अभी 74 में जियाउल हक साहब नहीं थे, भुट्टो साहब थे। ये जब प्राइवेटाइज हुआ था उस वक्त मैंने बहुत वोकल किया था और मैं कहा था कि प्लीज टर्म्स एंड कंडीशन रखे ऑन द प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करते व्हाट द पेरेंट्स। मैं ये कन्फ्यूजन अगर थोड़ी सी दूर करूं, पेरेंट्स को भी मुझे लगता है और आम लोग भी यही सोच रहे हैं कि शायद कोई इन फीस प्राइवेट इदारों की स्कूल्स की फीसों को मॉनिटर करने के लिए रेगुलेट करने के लिए कोई इदारे नहीं है। ऐसा नहीं है, एक तो ऑल ओवर पाकिस्तान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेकेंडली ये मसला कहां, एक सेकेंड अगर आप मुझे इजाजत दें, एक बात जरूर करना चाहता हूं। मैं जहां पर नादरा के लोगों को पकड़ लिया जाए कि जाली आप शनाख्ती कार्ड बनवा के दे देते हैं
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. मैं आई एम ग्रीन कार्ड होल्डर, तो मुझे 6 मंथ्स में ट्रैवल करना पड़ता है. तो अब की बार जब मैं गया तो मुझे रोक लिया एयरपोर्ट पे. उन्होंने कहा जी आप चूंकि यहाँ नहीं रहते इसलिए आपको एग्जेम्पशन फाइल करनी पड़ेगी. तो मैंने उसकी एग्जेम्पशन को अब फाइल किया. क्वेश्चन इज कि वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाके किसी को पैसे दे के ग्रीन कार्ड बनवा दें. तो यहाँ अगर वो मैं यही अर्ज करना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम इस सारी सिचुएशन में स्पेशली कराची सिंध के हवाले से इस वक्त अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से पैदा हो रही है. 2001 से ये बात नोटिस की गई कि स्कूल्स जो हैं प्राइवेट वो बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से फीसें बढ़ा देते हैं 15 से 30%. 2001 में ये बात नोटिस की गई कि इवन 30% तक बढ़ाई जा रही है. तो एक ऑर्डिनेंस जनाब सिंध में जारी किया गया 2001 में कि ये प्राइवेट जो स्कूल्स हैं इनको मॉनिटर किया जाए. और वो ऑर्डिनेंस 2005 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई जिसकी क्लॉज 7 उसमें सबसेक्शन 3 उसकी वायलेशन समझी जा रही है. उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के तहत एक डायरेक्टरेट बना दिया गया, उसकी इजाज़त के बग़ैर भी आप ये 5% नहीं बढ़ा सकते. अब जो बहुत से जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स थे इन्होंने कोर्ट में 3 पिटिशंस जमा कराई 2006 में. उनके पिटिशन नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ. पिटिशन नंबर 375, D375, D813 और D1704. ये 2006 से ये दायर की गई कि नहीं जी 5% बहुत कम है. असूलन इस तरह की पिटिशन को जब जिस दिन से दायर की गई है उसके 2 साल के अंदर अंदर फैसला आ जाना चाहिए. 9 साल गुजर गए हैं उन पिटिशंस का क्योंकि फैसला नहीं आया अभी तक. तो ये स्कूल्स के पास ही कि लीगल वैक्यूम है कि क्योंकि कोई फैसला नहीं आया कि कितनी फ़ीस बढ़नी चाहिए कितनी नहीं बढ़नी चाहिए. उसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 में इन स्कूल्स के लिए सज़ाएं भी तजावीज़ की गई हैं, लेकिन क्योंकि लीगल वैक्यूम है अदालत ने फैसला नहीं दिया अभी तक तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है. अब दाजी हमारे यहाँ तो जमानतें हो जाती हैं नॉनो केसेस में, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है. आदमी 5,000 रुपये का इस मुल्क में फ्रॉड करे, पकड़ा जाता है, 5 अरब रुपये खा ले. अभी हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस साल मैं माओ से पूछना चाहता हूं एक बात. अगर आप भी यू आल्सो कैन जंप इन. आप लोग जब ये सुनते हैं कि स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं आप लोग एज अ मां? थोड़ा सा बात बताना चाहूंगी कि मैं एज अ मां तो बाद में सोचती हूं, मेरी बच्ची आके वाउचर मुझे देती है कहती है मेमी टेंशन आ गई. शी जस्ट लिटरली यूज दिस वर्ड मेमी टेंशन आ गई. She uses that word कि मेमी टेंशन आ गई. मेमी टेंशन आ गई. माइक में बोलिएगा. मेमी टेंशन आ गई. आके she just used this word मेमी टेंशन आ गई. और आके वो मुझे वाउचर देती है और फिर तो मैं ले लेती हूँ और बस 3-4 दिन जो स्ट्रेस में गुजरते हैं वो गुजरते हैं. अच्छा जब स्कूल की फीस बढ़ती है तो आप जाहिर है हर घर एक बजट पे होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ती होंगी. एग्जैक्टली सारी एक्सपेंसेस कट डाउन करके हम बच्चों को जब गर्मियों की छुट्टियों की इकट्ठी मांगते हैं. एक्चुअली हम सब जो बिलोंग कर हम जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं. हमारी क्या है कि हम सिर्फ अपने एक्सपेंसेस कट डाउन कर करके और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं. अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि अब हम जब इतने एक्सपेंसेस अपने सारे कट डाउन कर रहे हैं तो आगे फीस बढ़ती ही चली जा रही है वो कहाँ पे. आपको मैं एक अजीब हैरतअंगेज चीज़ दिखाऊंगा. आई एम श्योर यू गाइज नो इट, लेकिन पिछले 10 सालों में फीस कितनी बढ़ी है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद. अभी नहीं, एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसके बाद आप लोग भी सोच के और देख के परेशान हो जाएंगे कि पिछले 10 सालों में 2005 से स्कूल्स की फीस कितनी बढ़ी है. और अभी मैं उन स्कूल्स की बात ही नहीं कर रहा जो गो स्कूल्स हैं जहाँ जो सिर्फ खोल दिए गए हैं. आई कैन गिव एग्जांपल्स, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट एनीवे एक टेलीफोन कॉल है वो ले लेते हैं पहले. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हाँ जनाब, मैं काशिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ कराची से. जी काशिफ साहब, कहिए क्या कहना चाहते हैं. जनाब मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, जो इशू है वो है स्कूल की फीसों में इजाफा. जी जी सर, ये तो खैर एक चीज है, लेकिन एक दूसरा जो इशू है वो डेली बेसिस का है. ये स्कूल वाले पेरेंट्स को मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैप करते हैं, लाइक मेंटेनेंस की सूरत में पैसे. अगर बच्चे से एक छोटी सी फनल टूट जाती है तो उसकी पेनल्टी लेते हैं वो 1,000 रुपीज और 800 रुपीज. मैं इत्तेफाक इसलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मेरा उर्दू बाजार जाना हुआ तो मैंने उस फनल की प्राइस पूछी तो 200 रुपीज की वो फनल थी
और उस बच्ची से उन्होंने 800 रुपीज चार्ज किए। ये जो है ये लोग इस तरह हमें लूटते हैं पेरेंट्स को, प्लस जो वैन हमारे बच्चों को स्कूल लेके पिक एंड ड्रॉप करती है उनसे इनका अलग कमीशन होता है। तो ये हर तरीके से इस आवाम को हम लोगों को लूट रहे हैं। और जनाब मैं आपको सही बताऊं, हम 6 अफराद हैं, हमारी ग्रोसरी यूटिलिटीज का बिल इतना नहीं है, खर्चा इतना नहीं है जितना हमारे 3 बच्चों की स्कूलिंग का खर्चा है। आप एक बात कर रही थी, वो भुट्टो साहब का दौर है कि जिस दौर में उन्होंने सारे स्कूलों को जो है ना वो गवर्नमेंट में नेशनलाइज किया था, मैं बता रहा हूँ उन्होंने नेशनलाइज किया था। उस वक्त भी मैं स्कूल का स्टूडेंट था, तब मेरे फादर जो है वो जब सैलरी लेकर आते थे तो उसे कहते थे ये जनाब ये ग्रोसरी के पैसे हैं, ये फलाने पैसे हैं, स्कूल की फीस का कहीं जिक्र नहीं होता था। और आज जब मैं घर अपने अपनी तनख्वाह लेकर आता हूँ तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि ये स्कूल के पैसे हैं, ये वैन के पैसे हैं, ये ट्यूटर के पैसे हैं, फिर कहीं जाके हमारी ग्रोसरी और दूसरी चीजों का जिक्र आता है। तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए, ये सिर्फ स्कूल की फीस बढ़ाना वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये जो इनके पीछे इतनी चीजें चल रही है ना इसको भी रोकना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं इनसे बात करेंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, वैंस का मसला है, स्कूल के अंदर जो चीज़ें हैं मेंटेनेंस के नाम पे जो फीसेज ली जाती हैं उसका प्रॉब्लम है। साथ साथ वो शख्स क्या करे जहाँ वर्किंग पेरेंट्स हों, 3 बच्चे हों, और अगर वो स्कूल की फीस भरना चाहे तो वो जाए तो कहाँ जाए। एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन गो एंड डू योर ग्रोसरीज, मुश्किल हो जाता है, इवन खाना मुश्किल हो जाता है। छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करते हैं। एक पता नहीं क्यों जा ब्रेक पर जाने से पहले ना एक नज़म मेरे जहन में आ रही, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। आप बेवजह परेशान सी क्यों है माना, कभी सोच के देखिएगा जो वज़रा आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं टेलीविज़न पे आके, उनका ताल्लुक है पाकिस्तान से? वो नहीं जानते। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद याद रखिएगा आपको एक हैरतअंगेज चीज़ दिखानी है मुझे, पिछले 10 सालों में स्कूल की फीसेस कितनी बढ़ी हैं, ये इस ब्रेक के बाद। आप लोगों को, आप पेरेंट्स को शायद एहसास नहीं है कि आप लोगों ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त PCR के अंदर बेतहाशा कॉल्स मौजूद हैं जो एहतजाजन पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, हम उनकी कॉल्स को भी लेंगे। लेकिन पहले आप लोगों का ज़रा हूँ भाई आपका वर्जन सुनते हैं, यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो आपका कितना टाइम घर पर गुजरता है जब आप वापस आते हैं और आपको ऑल ऑफ अ सडन ये पता चलता है कि जी स्कूल की फ़ीस एक मरतबा फिर बढ़ गई है, हाउ डू यू फील? बिल्कुल जैसा अनीका ने बताया कि एक तो पहले से पता होता है कि वाउचर आने वाले हैं, चैलेंज आने वाले हैं, और फिर ड्यूरिंग द ईयर तो मालूम होता है कि इतने का बिल आने वाला है, लेकिन जब सेशन नया स्टार्ट होता है, जब फी इंक्रीज होती है, तो हम मतलब जैसे समर के बाद जब शुरू होता है एग्जैक्टली, एक तो ये पहले नहीं बताते कि जब सेशन शुरू होगा कि हमारी फ़ीस क्या होगी। बच्चे को पढ़ते हुए 1 महीना हो गया, उसके बाद उनको फी चैलेंज दे दिया गया, उस वक्त हमें पता चल रहा है कि 24% 25% बढ़ गई है। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं ऑल टुगेदर, वो कितने पैसे जाते हैं वो एक अलग कहानी है। मैं 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ साहिर, कि आपदा ने बात की थी कि 3 पिटीशन फाइल हुई हुई हैं और लॉ जो है वो उस वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। असल में जब तक अभी स्टिल लॉ इज़ देयर, वो 5% वाला लॉ जो है वो अभी भी वैलिड इनफोर्स है, वैलिड है। तो जब तक वो स्ट्रक ऑफ नहीं होता, और वो स्ट्रक ऑफ कोई अथॉरिटी नहीं कर सकती, वो लेजिस्लेशन में जाकर के स्ट्रक ऑफ होगा, बिल पास होगा, असेंबली में जाएगा, वहाँ होगा, असेंबली ने पास कर दिया, इन्फोर्स ही नहीं करते, वायलेशंस इस डायरेक्टरेट में रोजाना कोई 2 दर्जन के करीब कंप्लेंट्स आती हैं। हम अगर उनकी एफिशिएंसी पे बात करने चले गए और उनकी कारकर्दगी भी बात करने चले गए, तो थोड़ा सा कथा कलामी माफ है, आप आपसे भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा ह्यूमन एंगल पे रहिए, पता है ये कोई नहीं समझ पाएगा, कोई पेरेंट ये नहीं समझ पाएगा। इशू क्या है, इशू सबसे बड़ा इशू ये है कि देखिए 3 बच्चे इन लोगों से बात कर रहे थे पेरेंट्स से, तो अब जो मुझे दुख हो रहा था ना और फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दी, इसके बावजूद कहीं ना कहीं खौफ है इनके दिल में कि इस मूवमेंट का एंड क्या होगा,
सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, लीगल इदारों की तरफ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या ये जो एजुकेशनल माफिया एक बैठा हुआ है ये अभी भी इनको ब्लैकमेल करेगा और कहेगा? अच्छा, कल मुझे बड़ी, कल मुझे एक बड़ी हैरतअंगेज बात पता चली, यानी कि आप माइक ले लीजिएगा, मैं आप बात खत्म कर लूँ उसके बाद हम आते हैं। हमें ये फेयर है कि हम इधर से अगर पुल आउट करते हैं तो जो दूसरी जगह हम डालेंगे वो भी तो ये सेम ग्रुप है ना। हमारा तो सिस्टम ही बिल्कुल ख़राब है, हम किसके खिलाफ लड़ें और क्या करें? लेकिन फिर भी स्टिल हमने ये स्टैंड अगर ले रहे हैं तो हमें यह है कि जुल्म के खिलाफ कोई तो आवाज उठाए, कोई तो कुछ करे जाके, वरना तो हम। अच्छा, आप लोग जैसे अब टेलीविजन पे आए हैं या आप लोग बाहर वो करते हैं, तो स्कूल आपको थ्रेट करता है? स्कूल की इंतजामिया थ्रेट करती है कि आप लोग ना करें? दे हैव देयर ओन वेज टू डू इट। दैट इज अ वेरी बिग इशू। अब ऑस्ट्रसाइज करना, अगर ये बोलते हैं या किसी ने टीवी पे देख लिया तो स्कूल वाले नोट कर लेते हैं, इनका भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनका बच्चा निकालो। बहुत मॉरल वे में है, बिकॉज ऑब्वियसली हर स्कूल की अपनी एक रेपो है, उसको उन्होंने मेंटेन करना है, सो दे कैन नॉट कम अप लाइक जो आप कह रहे हैं, बट स्टिल चीज़ें हैं और वो फेयर वाली बात वो भी है। सेकंड मैं कहना चाह रही हूँ कि राइट एंड रॉन्ग हैज़ नथिंग टू डू विद अफोर्डेबिलिटी, दिस इज़ रॉन्ग। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों एक स्टार्टर लेवल पे अपनी बेटी के 20,000 पर मंथ और समथिंग पे करूँ? वाई? मतलब मेरी बच्ची को आप ऐसा वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? शी इज़ कमिंग बैक। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने उसमें नोटिस की हैं, ग्रूम्ड हुई है, बट स्टिल दिस अमाउंट। एक्सक्यूज मी, मे आई पुट अ वर्ड इन देयर? यस यस मैम। ये हमेशा मैंने सुना है कि पेरेंट्स कहते हैं कि ये 3 साल की बच्ची है, क्या फ़ायदा इसको इतने पैसे देने का? नो, आई प्लीज़ मार्क माई पॉइंट दैट दोज आर द फॉर्मेशन ईयर्स। वो हम कहते ना कि इसकी चीज़ को पटड़ी पे डालना, और वो पटड़ी अगर गलत पड़ गई ना। मैं आपकी बात से इख्तलाफ थोड़ा सा करने की जसारत करूँगी। मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में, पेरेंट टीचर मीटिंग पे मुझे रोज़ बुला लेना, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे ऑफिस कॉल करके बुलाया जाता था, 1.5 साल का बच्चा, कि आपका बच्चा यूनिफॉर्म की ब्लू सॉक्स हैं वो ग्रीन सॉक्स पहन कर आए, पूरा मुझे वहाँ उन्होंने, और एंड क्या हुआ, पूरी पेरेंट टीचर मीटिंग, 3 सेशंस वो सेमेस्टर्स गुजर गए, किसी ने मुझे नहीं बताया कि प्ले ग्रुप में बच्चे को आपने क्या पढ़ाना है या उसको क्या पास और फेल का कॉन्सेप्ट होगा 2.5 साल के बच्चे का। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसकी कोई परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है। जब एंड रिज़ल्ट आया है साल के एंड में, तो मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा, सॉरी आपका बच्चा प्ले ग्रुप रिपीट करेगा। आई वॉज प्ले ग्रुप रिपीट करेगा क्या मतलब? मैंने कहा यार, इस पे तो आप लोग ताले बजाएं प्लीज यार, मतलब इसको ताले खेलना नहीं आता, मेरा बच्चा प्ले ग्रुप रिपीट करेगा? कहते हैं जी आपके बच्चे को सर्कल बनाना नहीं आता। मैंने कहा आप मुझे गर्मियों की छुट्टियों से पहले बता देते, मैं उसको हर कागज पे सर्कल बनवा दूं। मेरे पास बड़ा टाइम था वो सारा। एक टेलीफोन, I have to, you cannot undermine। अच्छा, मैं मजे है कि मेरे बच्चे ने प्ले ग्रुप रिपीट किया, मुझे मेरी दुख और कर्ब को आप फील करें कि अगले साल मुझे जब अपने बच्चे के लिए पुरानी किताबें नए सिरे से दोबारा खरीदनी पड़ी, सारी फीसें, and my kid was the best part is the best part is I'm sure के he is going to grow up और बहुत बड़े amazing talented बड़े now, और ये और टेलीविजन पे जब इनका इंटरव्यू लिया जाएगा तो कौन से पूछेगा आपको जिंदगी में कभी आप फेल हुए? जी मैं प्ले ग्रुप में फेल हो गया था। मेरे स्कूल वालों ने कहा था मुझे दायरे बनाने नहीं आते। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, let's take that। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मुझे तो इसलिए स्कूल कॉल की जा रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आपका नाम सर? साहिर लोधी साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। साहिर मलिक नदीम बात कर रहा हूँ, लाहौर, पीएचए लाहौर से। जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको सलूट पेश करता हूँ कि ये इस जहाद में अपने ये पहल की, और उसके बाद जहाँ बैठे हुए तमाम साइमीन से और उन माँ बाप से जिनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, और उसके बावजूद इस जहाद में इन्होंने बढ़कर हिस्सा लिया और सफा सलाहार का रोल प्ले कर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग इस मामले को संजीदगी से डिस्कस करें तो ये बहुत बड़ा इशू है, शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का हाथ, हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया के हवाले से बात कर रहे हैं, एक ऐसा माफिया जो जज्बाती तौर पे, इमोशनल तौर पे आपको ब्लैकमेल करता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के नाम पे आपको लूटता है। किस किस तरीके से लूटता है? चले एक रोशनी मैं भी डालता हूं।
मेरे बच्चे 3 हैं और स्कूल गोइंग है। सबसे पहले स्कूल के नाम पे फी का मामला, सिक्योरिटी फीस के नाम पे बहुत सारी हैंडसम अमाउंट जब स्कूल ट्रांसफर करता है तो वो 100% सिक्योरिटी वापस नहीं दी जाती। उसके बाद ट्यूशन फी के नाम पे, बुक्स के कमीशन के नाम पे कोई किताबें स्कूल की आप बाहर से नहीं बाय कर सकते क्योंकि उनकी कमीशन सेटल है सप्लाई पब्लिशर के साथ। उसके बाद यूनिफॉर्म के नाम पे, उसके बाद इवेंट्स के नाम पे, उसके बाद चलिए अभी चलते हैं हम केपी से नर्सरी से निकल के स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं। ये पूरा माफिया है ये प्रेप से लेके यूनिवर्सिटी तक। अब इन मौजूदात पे जब आते हैं कि हम लोग ब्लैकमेल क्यों होते हैं, हम इन बड़े इदारों में बच्चों को दाखिला क्यों कराना चाहते हैं, उसके 2 वजूहत हैं। हम अपने बच्चों को अपना पेट काट कर और हमारे घर का जो बजट है उसका 70% एजुकेशन के नाम पर हम देते हैं। और उसकी वजह क्या है कि हमें ये बताया जाता है कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल रोशन होगा उस वक्त होगा जब बड़े स्कूलों के ब्रांड स्कूलों के नाम से बच्चों के हाथों में सर्टिफिकेट होंगे, उस स्कूलों का नाम होगा तो हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे जाकर फ्रूटफुल होगी और उनको कहीं जाके अच्छी जॉब ऑफर हो जाएगी। मलिक साहब आई एम सॉरी आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, लेकिन आपने जितनी भी बातें की हैं वो दिल को लगी हैं और बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी तालियां मलिक साहब के लिए, बहुत सारी तालियां वाकई। एक और इसे हम देते हैं और इसका मतलब है कि वो सारा जिम्मा बच्चे को सिखाना पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, दायरा बनाना आपको सिखाना चाहिए था। मेरे ख्याल में अगर आपके पास माइक लगा हुआ, माइक लगा एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा प्लीज। क्या नाम है इसका, आप जब इतना स्कूल भेज रहे हैं और आप इतना सो कॉल्ड चार्जेस कर रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप बच्चे को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जब वो घर आए तो वो हमें बता रहा हो, ना कि हम उसको सिखा रहे हों। मोर ओवर जिस फी स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आ रही है, इट शुड भी पैसों के एवज नहीं होना चाहिए, आपकी कोई डिवोशन भी होती है। आप एज टीचर क्या दे रहे हैं बच्चे को कि सिर्फ पैसे के बदले, अच्छा इन्होंने मुझे 1 घंटे के 1,000 दिए इसलिए मैं इसको इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा, ये नहीं होना। देखिए एक चीज समझना, कुछ होना आप जो जंग लड़े उसमें आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। काफी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। एजुकेशन का पर्पज ये होता है कि जब एक बच्चा एक इदारे में जाता है तो 2 चीजें होती हैं उसके साथ, एक दुनियावी उलूम जो है उस हवाले से उसे मालूम मिलती है दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है उस सब्जेक्ट की मालूमात मिलती है। दूसरा बहुत बड़ा काम होता है कि बच्चे की जहन साजी और किरदार साजी होती है स्कूल में। 1960-1970 के स्कूल में किसी हद तक ये होता था, तो बच्चा पढ़ने जाता था शौक से, ना कि डिग्री लेकर इंजीनियर बनने के लिए, एक शौक था तालीम का। आज बच्चे को तालीम का शौक नहीं। हम डील करते हैं बच्चों के इश्यूज जब आते हैं हमारे पास, क्या आप यकीन करेंगे कि इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक 20-25% बच्चे एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, 75-80% एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, उस 25-20% में जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो भी अपने उनमें से बहुत सारे माँ बाप की वजह से, कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े। एक जो शौक था ना कि किताब उठा के एक बच्चे ने कहानी की किताब पढ़ी या एक नॉवल पढ़ी या कोई किताब पढ़ी, वो शौक खत्म हो गया। इतनी महंगी एनवायरनमेंट में पढ़ के जो खौफ है हमें कि वहाँ पे ड्रग्स की सिक्योरिटी। आपने एक बहुत अच्छी बात की, ये मैं एक चीज एक टेलीफोन कॉल में उसके बाद ब्रेक पे जाना है, उसके बाद जरूर करें। मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, हमारे जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं ये स्टेटस का सिंबल हो चुके हैं। मैं अमरीका के 10 बेहतरीन कॉलेज में से एक कॉलेज में पढ़ा हूँ, गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। I was a valedictorian, 3.97 GPA, 1B throughout my course. Used to work at Halliburton, one of the biggest, largest firms in the world. मैंने वहाँ किसी को भी ब्रांड ओरिएंटेड नहीं देखा। मैं ऐसे स्कूल्स को जानता हूँ, मेरे अपने फैमिली के बच्चे जाते हैं उन स्कूल्स के, जहाँ फरारीज का नाम, छोटी छोटी बड़ी बड़ी गाड़ियों का नाम ऐसे थ्रो अवे कर दिया जाता है। जो स्कूल आपको सेग्रीगेट कर दे और इंसानों से दूर कर दे स्कूल नहीं होता। छोटा सा ब्रेक, अब समझते हैं ब्रेक के बाद। मीटिंग के अंदर चले गए ना, आज ही सॉरी सॉरी। अच्छा जी, मैं एज अ फादर आपसे पूछना चाहता हूँ
कि जब स्कूल की फीस बढ़ती है और आपको फौरन पता चलता है कि जी फीस बढ़ गई है, तो फिर आप क्या लगता है आपको? साहिर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको अफेक्ट होता है। सबसे पहले तो आपको मेंटल स्ट्रेस एक फौरन से फील होता है कि आप फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि अब हम आगे किस तरह से चलेंगे, बजट कैसे कैरी करेंगे। ओबियसली एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है गर्मी में, और हम लोग ओबियसली इस तरीके से करते हैं कि भाई फिर एसी जो है आप अगर पहले 6 घंटे 7 घंटे चला रहे थे तो आप उसको कम करके 2 घंटे कर देते हैं ताकि आपका बिजली का बिल कम हो जाए और आप स्कूल के लिए पैसे जो फंड ही कहूँगा मैं ये फ़ंड ही कहला है उसको जो है आप केटर फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे माशरे में नहीं है इतनी ज़्यादा कॉमन। वेकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। हम लोग स्कूल को इतने पैसे देते हैं कि हमारे पास उस बच्चे को वेकेशन पे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में 2% 3% लोग हैं जो बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं लोकल घूमने फिरने की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि भाई आप पहले अपने बच्चे को वीकेंड्स पे कहीं लेके चले जाते होंगे, फिर वो बाई वीकली हो जाता है। ये सिर्फ वो चीज़ें जो आप बच्चे के लिए ही बुरा कर रहे हैं स्कूल के पैसे भर भर के। अच्छा ये बताइए, वो लोग जो सैलरीड होते हैं उनके इंक्रीमेंट कितने होते हैं वर्सेस फीसेस जो होती हैं वो कितनी होती हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, 2010 में मैंने मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ, उस वक्त जब मैंने स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन ली तो मैंने एक बजट बनाया कि मेरी सैलरी इतनी है और इसमें से इतना परसेंटेज जो है मैं वो सैलरी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने बच्चे को दाखिल करा। अगले साल जब 15%, 20%, 30% बढ़ी और आज उस उन 5 सालों में 230% वो तनख्वाह इंक्रीमेंट हो चुका है फीस के अंदर। तो मैंने जो बजट अपनी टोटल सैलरी का 20%, 25% रखा था, अब वो मेरी उस वक्त की सैलरी से ज़्यादा सिर्फ स्कूल की फ़ीस है। तो मैं कब क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, और जैसे इन्होंने कहा बच्चों को क्या घुमाऊंगा, तो अगर इसी रेशो इफ आई मे आस्क, एक मिनट है, इफ आई मे आस्क, आप मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज इस तरह से करते हैं कि पहले मेरी वाइफ जॉब नहीं करती थी, अब वो भी करती है। ठीक है, हमने कर्टेल किया है दूसरी चीज़ों को। जैसे इन्होंने बिजली का कहा, इन्होंने एसी बंद करने का कहा, मेरे बच्चे 2 कमरे में सोते थे, वो 1 कमरे में सोते हैं सारे। अब मुझे यहाँ पे पर्सनल बातें करनी पड़ रही है, लेकिन क्या कह रही है? नहीं, यू आर राइट, सब घर की कहानी है, एक ही कहानी। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम पहले लिया था छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इन्हीं पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आज हमने सिर्फ ये इस्टेब्लिश कर लिया ना कि स्कूल की फीसेज में इजाफा गलत है, तो आई थिंक हम सक्सेसफुल होंगे। आज कोशिश करेंगे कोई सोल्यूशन निकले। मुझे नहीं पता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। अगर आप पेरेंट हैं और आपको ये मसला है कि आपके यहाँ स्कूल की फीसेज में इजाफा होता है और आप इस मसले से परेशान हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 10 सालों में स्कूल की फीसेज में इजाफा कितना हुआ है, हैरान हो जाएंगे आप। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक, एंड लेट्स सी जी क्या होता है। आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, इस शो का क्या आउटकम होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं एक मरतबा फिर अपने जितने भी मॉर्निंग शो, इवनिंग शो, टॉक शोज़ आप लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ बैठ के करते हैं, आम पेरेंट्स को बुलाएं, ज़रा इन लोगों को बुला के बात करें, इनके साथ बैठें, इनके मसाइल को सुने। पाकिस्तान की आप बहुत खिदमत करेंगे। वो जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपनी पार्टी के गुनगाते हैं, उनकी पार्टी के गुनगाते हैं, लोटा लिए चलते रहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते रहते हैं, उन लोगों को छोड़ें, मारें गोली, इन लोगों को बुलाएं, इन लोगों को बिठाएं। नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल बातें हैं, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, बच्चों की स्कूल का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। कैन यू इमेजिन जब पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और अगर एक थ्रेटनिंग लेटर कोई भी आ जाता है, दैट्स ट्रू, बॉम्ब स्केयर आ जाता है, इन लोगों पर क्या गुजरती होगी? एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, अब्दुल हादी बात कर रहा हूँ मैं, आप साहिल लोधी साहब बात कर रहे हैं? जी जी हादी साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। एक तो जी मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक आपने जब आज ये टीवी साहब लेके आए, मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है और मैं खुद इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, मतलब इतना ज्यादा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। अभी आप जैसे पूछ रहे थे कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने हिसाब किताब को, तो जैसे मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल दूँ कि पहले मैं ऑफिस में गाड़ी से आता था, लेकिन जब से ये फी वाउचर मेरे पास आया और मैंने तो इसको मतलब भर भी दिया दिल पे जबर करके, तो उसके बाद से मैंने गाड़ी को तो मैंने घर पे पार्क की है मैंने, और मैंने बस से मैंने ऑफिस आना शुरू कर दिया कि पेट्रोल के जरिए से मैं सेविंग करके मैं जो है वो ये फी को मैं अफोर्ड कर सकूँ। मतलब अब क्या करें, अब ये चाह रहे हैं कि हम जो
क्या हम खुदा ना खास्ता भी मतलब ये अनलॉफुल मीन्स की तरफ चले जाएं, क्या मतलब हम दो नंबर ये कमाई की तरफ चले जाएं, किस तरह से हम इनके जो ये पेट भरे, इनके जो 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 इनके जो मतलब दो रख जो इनके ये पेटों में वो हम किस तरह से भरें। हादी साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, अभी इस पर हम बात करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आपकी ऑनेस्टी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक और टेलीफोन कॉलर, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? साहिल साहब आसिम बात कर रहा हूँ मैं, कराची से, फेडरल एरिया से। जी आसिम। साहिल भाई मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है, मैं एक प्राइवेट फॉर्म में जॉब करता हूँ जहाँ मेरी सैलरी जो है ना 35,000 है, लेकिन एक मैं अपने दो बच्चों को मैं इस 35,000 में और अपने घर को मैं रन नहीं कर सकता हूँ। फिर मजीद मैं आके रात में मैं पार्ट टाइम जो है मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और संडे को जो है ना मैं संडे बाजार में जो है ना मैं कुछ चीजें जो है वो जो होती हैं गिफ्ट आइटम टाइप की वो मैं सेल करता हूँ। और ये जो नौबत आई है ये सिर्फ इन अपने बच्चों को पढ़ाने के खातिर आई है मेरी ये नौबत ना, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मैं आप लोगों के तवस्सुत से इस गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी अपने बच्चे को किस तरह अच्छी एजुकेशन देगा, वो किस तरह इन फीसों को अफोर्ड करेगा। थैंक यू आसम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैं टेलीफोन कॉल लूंगा, उसके बाद फिर हम ये अफोर्डेबिलिटी जो है इस पे बात करेंगे। एक और टेलीफोन कॉल, फिर इसके बाद ओपन फोरम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी टीम को सलाम करना चाहिए, सैल्यूट पेश करना चाहिए। मैं खड़े होकर खुद आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि वाकई में ये बहुत बड़ा इशू है कि बे इंतहा फीस बढ़ी हुई है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चों में बैग है मगर इतना वजन है। अगर आज मेरी बच्ची का वजन 28 किलो है तो सिर्फ डबल का उसका वजन, बैग का वजन होगा, वो उठाएं क्योंकि उसके शोल्डर में इतने दर्द होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप क्यों इतनी बैग टाइम टेबल के हिसाब से लेकर जाओ। मम्मी ये रोज मुझे लेके आने का कहते हैं, अगर नहीं लेके जाऊंगी तो मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर देते, मेरी पढ़ाई चली जाती है। टीचर्स जिस तरीके से इनको पढ़ाती हैं, मैं उनको कहती हूँ कि शाबाश है, ये इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेसन इतना नहीं होता जितना कि इनके पक्ष से खर्चा, सिर्फ हमें आज ये चीजें मंगवा रहे, आज वो कलर पेपर लेकर आओ, आज पेंसिल कलर बॉक्स लेकर आओ, आज पॉइंटर्स लेकर आओ, हर रोज कुछ ना कुछ इश्यू होता है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। स्कूल की फीस बढ़ना, वैन की फीस बढ़ना और ट्यूशन की फीस बढ़ना और उनकी सिक्योरिटी फीस भी दो। अब जबकि थोड़ा ये पिशावर के वाक्य के बाद जो यहाँ कराची में भी स्कूल की सिक्योरिटी के हवाले से जो कुछ इश्यू बने, तो उन लोगों ने जो अपनी स्कूलों में जो सिक्योरिटी कराई उसकी फीस भी उन लोगों ने बढ़ा दी है, वो भी पेरेंट्स के पसंद के वो आप करेंगे। जी आप करेंगे। अच्छा इससे पहले कि मैं फोरम खोलूँ, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ और आप लोग तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए कि पिछले 10 सालों में फीसेज में इजाफा कितना हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अभी हमने मदरसों की बात नहीं की है, अभी हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं की है, अभी हमने उन स्कूल्स की बात नहीं की है जो गो स्कूल्स हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तालीमी इदारे हैं, जब बच्चे उनमें पढ़ के निकलते हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। जो मदरसे का बच्चा है उसे नहीं पता कि जो बच्चा एक बहुत एलीट स्कूल से आया है उससे वो क्या बात करे, फैसिलिटीज़ कहीं नहीं। जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है उसे नहीं पता कि सेमी प्राइवेट के बच्चे से वो क्या बात करे। गवर्नमेंट स्कूलों में पिछले 50 साल में निसाब तब्दील नहीं हुआ है। जो बुक मैंने पढ़ी थी, आज गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला वो बच्चा वही किताब पढ़ता है। आर्किमिडीज को मैंने पढ़ा था, उसके लॉ को आज भी आर्किमिडीज के लॉ को वहीं पढ़ा जाता है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि अगर इवन इन एलीट स्कूल्स के टीचर्स को भी देखा जाए तो यहाँ ट्रेन द ट्रेनर्स के कोई कोर्सेज नहीं है, यहाँ रिफ्रेशर के कोई कोर्सेज नहीं है। जो नॉलेज आपको पार्ट की जा रही है वो उसी तरह की है जिस तरह की हम बाकी और चीज़ें करते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद सबसे बड़ा मसला अपनी जगह रहता है। बच्चों को स्कूल भेजना है सो भेजना है। पिछले 10 सालों में स्कूल की फीसेज में कितना इजाफा हुआ, ये सिर्फ स्कूल की फीसेज हैं, अभी मेंटेनेंस की बात नहीं है, सिक्योरिटी की बात नहीं है, बाकी चीज़ों की बात नहीं है, स्कूल की फीसेज में कितना इजाफा हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वॉच दिस। पिछले 10 सालों में स्कूल की फीसेज में 327% इजाफा हुआ है। अभी अब्दुल हादी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि मैंने इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ कि गाड़ी में जाता था पेट्रोल कर्टेल करके। मेरा सवाल यह है कि अगले साल वो क्या करें?
क्या किचन बंद करेंगे अपना, उसके अगले साल क्या करेंगे? देखिए ये तो एक लूप की तरह है, मैं आपको एक बात बता दूं। दूसरी चीज साहिर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, लाहौर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, कराची में हो रहा है, स्कूल कैसे रिएक्ट कर रहा है? स्कूल उनको इनडायरेक्टली वन बाय वन, वन टू वन थ्रेट कर रहा है। थ्रेट कैसे कर रहा है? जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स थी जो ऑलरेडी शेड्यूल थी उनको पोस्टपोन करके कल जो उनको नजर आया था रोड पर, आज उसको 1:30 बजे बुला लिया है। अब वो परेशान है कि मैं जाऊँगा मेरे साथ अकेले क्या होगा। यस, दूसरी चीज़ एक सर्कुलर इशू किया एक स्कूल ने, उसमें ये लिखा है कि अगर आप प्रीवियस फीस पे पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको एक साल तक अलाउ करते हैं, लेकिन एक साल के बाद आपका बच्चा एक्सपेल हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो फीस दीजिए जो हमने अभी इंक्रीज की है। ये कौन से सोल्यूशन है, कहाँ जाएंगे हम? एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो बड़ा जरूरी है समझना। डॉक्टर साहब अभी हमारे इजाजत दीजिए। मैन शुड नॉट क्राई बट अ फादर कैन। बिल्कुल, फादर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यू लुक अप टू हिम। व्हेन अ फादर क्राइज दैट मींस ही इज फीलिंग इट राइट हियर। मुझे नहीं पता आपको मेरी किसी बात का असर होगा या नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए और देख। जी अब्दुल, पता है ये सब इस वक्त इतने मायूस और परेशान और बौखलाहट का शिकार इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम सबको एक दूसरे पे भी एतमाद नहीं कि जो मेरे साथ इस वक्त है ये कल भी मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। हमारे माशरे में बिक जाने की इतनी आदत है ना कि हम अपना ईमान बेच देते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को शॉर्ट टर्म गोल्स देख के हम खुद बिक जाते हैं। हर एक की कीमत लगी होती है आज खुदारा। ये हर एक एक पेरेंट बहुत बड़ा मसला, आप लोगों का मसला है, ये आप लोगों का मसला है तो ताली क्यों नहीं बजा रहे? बजाएं ना अगर आप लोगों का मसला है तो। एक सवाल मेरा और है तमाम स्कूलों पे, तमाम प्राइवेट स्कूलों पे। आई एम वेरी सॉरी टू से एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, धंधा, कि इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। स्टेशनरी हम इन्हीं से क्यों लें? हम क्यों, मेरे बच्चे के लिए क्यों जरूरी है कि उसकी कॉपी पे उसका नाम लिखा हुआ और स्कूल का नाम लिखा हो और खरीदे भी उन्हीं से, कहीं से कहीं और से नहीं ले सकते हम। दानिश ने बात, इन्होंने बात की ना, सारे ब्रांडिंग का सबसे बड़ा है और आधी यूज नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो सब इतनी मोटी कॉपी देते हैं उनको ये नहीं पता कि साल भर में इस कॉपी का कितना काम है। वो कॉपी जो 200 रुपए की वो 20 रुपए वाली भी दे सकते हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट में खाली 4 पेज यूज होने, साल के आखिर में 180 पेज उस कॉपी के खाली पड़े हुए होते हैं और वो हम खरीदते हैं जबरदस्ती स्कूल से। स्कूल को कमीशन मिलता है ना जी, नोटबुक्स के अलावा एक्टिविटी बुक्स पूरी पूरी खाली पड़ी हुई हैं। मैं हैरान हूँ, 250-300 मे बी 500 तक की किताब है एक्टिविटी की और कुछ भी नहीं काम किए, सिर्फ 2 पेजेस। मतलब हमें इंसान समझे, हमें भी घर चलाना होता है, हमें भी बच्चों को आगे लेके चलना है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल नहीं है, किताबें नहीं है, सारी एक्टिविटीज़ कट डाउन की हुई हैं हमने। कितने अपने बजट को कंट्रोल किया हुआ है। जब फी वाउचर आता है पहले मैं अपने हस्बैंड को काम डाउन करती हूँ फिर देती हूँ ताकि उसको एकदम से झटका ना लगे कि इतना बड़ा फी वाउचर। मैं तो अपने हस्बैंड को एक दिन तक दिखाती ही नहीं हूँ, या जिस दिन वो बड़ा सुकून में होते हैं उस दिन मैं नेक्स्ट डे उनको दिखाती हूँ कि जरा से रिलैक्स मूड में हो, तब थोड़ी सी टेंशन उनको। साहिर ने कहा फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द फैमिली। अब उस फादर की क्या हालत होगी? क्या वो एक्स्ट्रा जॉब कर रहा है, संडे बाजार में जाता है? तो अब हुआ क्या कि बच्चे को तालीम के साथ सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो तरबियत है। घर में वालिदैन टाइम नहीं दे सकेंगे क्योंकि उनको स्कूल की फीस के लिए मेहनत करनी है, तो उस बच्चे की नशोनुमा होगी कैसे? आप उसे डिग्री तो दिला देंगे, इंजीनियर तो बन जाएगा, मगर वो टूटा फूटा होगा, वो मेंटल पेशेंट बन जाएगा क्योंकि उसको तरबियत नहीं मिली, माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिला, क्वालिटी टाइम नहीं मिला। वेकेशन के बारे में आपको पता हो कि कुछ सालों तक तो ये था कि इंग्लैंड के अंदर ये लाजमी था कि हर एम्प्लॉई 15 दिन की वेकेशन पे जाएगा पेड बाय द कंपनी, क्योंकि वो वेकेशन के बाद जब आता था तो फ्रेश आता था। यहाँ आपने कहा आप लोग विद इन पाकिस्तान नहीं ले जा सकते, पाकिस्तान कह रहे हैं हम इसको 2 घंटे के लिए बाहर नहीं लेके जा सकते बिकॉज यू हैव टू बजट आउट। 3,000 से 4,000 अगर मेरी 3 घंटे की बाहर की वेकेशनिंग विजिट में खर्च हो रहा है, एक नॉर्मल खाना खाना या बच्चों को पार्क लेके जाना, हाउ कैन आई एम गोइंग टू अफोर्ड दिस? मैंने इसी फोरम पे एक पेरेंट से मिली हूँ और मुझे आँखों में लिटरली उस वक्त मैंने आंसू आए हैं मुझे ये सुन के
कि वो मुझसे कहने लगी कि मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों इस स्कूल में जाते हैं और दो महीने की एक साथ फीस आती है और मैं हमारे घर में एक मंथ ग्रॉसरी होती है और एक मंथ सिर्फ फीसेस दी जाती है। और उस सेकंड मंथ में जो है साथ में बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, वो सब भी चीज़ है। और जो मैं एक महीने की ग्रॉसरी लेके आती हूँ उसको मैं दूसरे मंथ तक घसीटने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैं खाने पीने में भी कमी करती हूँ। अगर आप मुझे अभी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है, एक स्कूल टीचर हैं और हम उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उनकी टेलीफोन कॉल है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। मैं किशोर बात कर रही हूँ और मैं रिलेटेड इसी स्कूल से हूँ। जी मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी हूँ। मुझे ये मैं भी आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे ये कंप्लेन हुई कि टीचर्स को ब्लेम करना इससे रिलेटेड कि वो उतना ही पढ़ाती हैं जितना उनको पे किया जाता है, ये गलत बात है बिल्कुल। मैं खुद अपने बच्चों की वजह से उस स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। स्कूल मुझे पूरी फैसिलिटीज देता है, मुझे कंसेशंस देता है मेरे बच्चों के लिए, मगर मैं फिर भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ। और इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं कल वो जॉब छोड़ देती हूँ तो मुझे फिर दोबारा से मुझे वही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो ये पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, फीस की प्रॉब्लम्स और बाकी सब चीज़ें। तो इसीलिए टीचर्स को काइंडली ना ब्लेम किया जाए और टीचर्स को इससे इन चीज़ों से टीचर्स को बाहर रखा जाए, क्योंकि टीचर्स की सैलरीज में या किसी और चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आप मैम थोड़ा सा टेलीफोन पे रहिए तो हमूद साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, मैं आपसे खातून ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे ये बताए अच्छा आप टीचर्स ने और आपका फ़ोन आया, मैं सारे टीचर्स के लिए एक अवेयरनेस क्वेश्चन यहाँ पे रेज करना चाहता था। क्या आपको मालूम है कि कानूनी तौर पे आपकी कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैं बस मुझे नहीं सुन लिया, मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं आपको भी बता रहा हूँ और ये मैं सारे टीचर्स को बता रहा हूँ, आपकी अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं और वो स्कूल ट्रस्ट नहीं है अगर, तो एक चार बच्चों की फीस के बराबर मिनिमम सैलरी होनी चाहिए आपकी। आपके बच्चे की स्कूल की फीस अगर 5,000 है तो आपके तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपए होनी चाहिए। और ये अवेयरनेस मैं सारे टीचर्स को देना चाहता हूँ, शायद सिर्फ ये टीचर नहीं जो ये खातून है, ये हर वो स्कूल जो ट्रस्ट नहीं है वो बाउंड है, उस पर ऑब्लिगेशन है कि वो एक टीचर की फी कम से कम 4 बच्चों की फी के बराबर रखे सिंध के रूल्स के मुताबिक। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करते हैं। दूरियापा आप दहन डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे और आप पेरेंट्स से बात हो ही रही। एक बात जो इन टीचर ने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि अगर मैं टीचर ज़रूर हूँ लेकिन मैं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ, रीज़न ये है बिकॉज आई एम अ पेरेंट। अगर कल को मेरे पास ये जॉब ख़त्म हो जाती है तो मैं भी वही चीज़ें फेस करूँगी जो ये पेरेंट्स फेस करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपको शिकायत है अपने बच्चों के स्कूल से कि फीसेस बहुत ज़्यादा हैं तो कॉल कीजिए आज। याद रखिए, हम हमेशा शिकायत करते हैं कि चीज़ें तब्दील नहीं होती, चीज़ें सिर्फ उस वक्त तब्दील होंगी जब हम उनको तब्दील करना चाहेंगे। ये आपका मौका है, आप कॉल कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक्चुअली हम लोग इतना इंग्रोस हो चुके हैं टॉपिक के अंदर के ताली वाली बजाने का सारा एहसास चला गया, बट यू नो आई ऑनेस्टली होप कि कुछ बेहतर हो सके। उस आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ब्रेक से पहले जिन टीचर का फ़ोन आया था, और हम मुझे टीचर्स से कोई इशू नहीं है, इशू मुझे है स्कूलिंग सिस्टम से। नहीं, सबसे बड़ी बात है हम टीचर्स की बात भी नहीं कर रहे, मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे। स्कूलिंग सिस्टम हमें तोड़ रहा है, वो हमसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहा है। यानी अगर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, एथिकल वैल्यूज सिखा रहे हैं, तो दे आर चार्जिंग फॉर दोज एथिकल वैल्यूज। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आपको तो वैसे भी एथिकल वैल्यूज देनी ही चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं या अच्छी क्वालिटी या कुछ डिफरेंट दे रहे हैं अदर देन पढ़ाना या बुक्स, तो आप उसको इतना ज़्यादा चार्ज करेंगे कि हम अफोर्ड ही ना कर पाए। या फिर आप हमें ये कहेंगे कि हम ये फिर चीज़ें नहीं देंगे आपको क्योंकि ये बहुत महंगी है। मतलब आई एम सेइंग कि ये क्यों है ऐसा? अच्छा, दूसरी बात ये, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि किसी स्कूल का नाम हमने नहीं लिया, ना पेरेंट्स ने लिया। हमें पता है कि स्कूल की सैंक्टिटी क्या होती है, नाम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वी नॉट इन टू येलो जर्नलिज्म। द ओनली थिंग इज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक बहुत बड़ा इशू जो सिर्फ इनका इशू नहीं है, हर उस पेरेंट का इशू है जो पाकिस्तान में रहता है, हर उस पेरेंट का इशू है। तो प्लीज़ इसको
मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल में फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर्स, वी आर नॉट इवन नेमिंग स्कूल्स. लेकिन ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़ा मसला जो न सिर्फ इनका है बल्कि आपका है, और आप जो देख रहे हैं आपका है. रिजवान हमारे साथ फ़ोन कॉल पे हैं, लेट्स टॉक टू हिम फर्स्ट. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम साहिर, हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह. जी रिजवान, कहिए क्या कहना चाहते हैं. मैं थोड़ा सा हटके बात करूंगा जी. क्या किसी तरह के स्टैंडर्ड्स हैं कंपटीशन कमीशन के? क्या चिल्ड्रंस का कोई कंज्यूमर राइट है किसी तरह से? कोई प्रोटेक्शन है? मतलब हम इसी तरह बाहर निकलते रहेंगे? कोई स्टैंडर्ड किसी एजेंसी ने, कोई रेगुलेशंस ने कोई सेट नहीं किए हुए? ये इनको आके देखेगा कौन? ये प्राइवेट स्कूल्स ने जो अपनी मर्जी चलाई हुई है, हर कोई अपनी मर्जी से. और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक गवर्नमेंट के अंडर एक प्राइवेट स्कूल अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो? 5% जो मुझे याद पड़ता है 2005 में लॉ पास हुआ था कि 5% ज्यादा फी इंक्रीमेंट नहीं होगा. हाउ कैन दे डू सो कि अपनी तरफ से लेटर इशू करके पेरेंट्स से साइन करवा के कि इस साल इतना फी इंक्रीमेंट होगा और आपको हमारी पॉलिसी से कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और बाद में हमें ये लेटर दिखाए जाते हैं कि आपने इस पर साइन किया हुआ है. हाउ इज इट पॉसिबल कि एक गवर्नमेंट की तरफ से रूल पास हुआ हुआ है, इसके बावजूद एक प्राइवेट स्कूल अपने रूल्स एडिशनल पास करके और पेरेंट्स से सिग्नेचर लेके और बाद में उसको थ्रेटन करता है, ब्लैकमेल करता है? व्हाट? आई डोंट नो रिजवान. आपदा महमूद बोलिए. इलीगल क्लॉज आपने कहीं पे भी अगर साइन किया है, जब अगर कभी कोर्ट में जाएगा दैट विल डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड. ठीक है, ये लोगों को पता नहीं होता, पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो अपने सिग्नेचर जब वापस देखते हैं कि हमने तो साइन किया है, वापस डर के मारे घर चले जाते हैं कि हमने सब तो गलती हो गई. अच्छा, आप तो आपने इतने साल एजुकेशन में आप रही हैं, टेल मी कि क्या इतनी फीसेस आपने इंक्रीज देखा था? मैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जब ज़माना था, अब तो माशाल्लाह न्यू पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज. मैं यहाँ इनकी बातें सुन के आई एम क्वाइट अवेकेंड. लेकिन ये है कि मैं ये फीस का ट्रेंड, मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि व्हेन दे स्टार्टेड विद द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्कूल्स फॉर एजुकेशन, एट दैट टाइम आई वॉइस दैट प्लीज प्लीज कीप सम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज आई सेड दैट देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू कम एंड ओपन देयर स्कूल्स. मैंने इनसे ये कहा था गवर्नमेंट से कि बजाय इसके आप ये करें, आप ऐसा करें कि ये जितने भी आपके ओल्ड टीचर्स रिटायर होते हैं, इनका एक कंसोर्शियम बना दें एंड गिव देम द इंटरनेट एंड ऑल दैट स्टाफ एंड टेल देम टू गाइड द स्कूल्स. और उसके अंदर जो एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो पेरेंट डजंट वरी. फिर आप ले फीस, पेरेंट हर्ट होता है जब उसकी वैल्यू नहीं मिल रही होती है, not getting the value of what they want. इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ प्लीज़, कि बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, सेल लगती है 99 rupees, 100 नहीं करना, 1 rupee की वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है. स्कूल्स ने ट्यूशन फीस तो एक चीज़, अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक हेड के अंदर ये आगे चला, लेट सपोज 10,000 rupees फीस है, ठीक है ना, अब क्या करें? नाउ एडिंग द मेंटेनेंस फीस, द स्पोर्ट्स फीस, चली गई. अब मेरा बच्चा नासा में तो नहीं जा रहा यार, कि उसने अभी से कोई चीज ऐसी बनानी है, मतलब यू नो कि उसको वो सारी चीजें सिखाई जाए. अब ये क्या चीज है हमें भी नहीं मालूम, वो बच्चा करके आता है वहाँ पे, ठीक है ना. अब वो कौन से स्पोर्ट्स खेल रहा है, या तो भाई उसको आप अंडर 19 तक लेकर जाएं, कोई ऐसी टीम हो, कोई फोरम हो कि ठीक है, मैं नजर आ रहा हूँ कि यार बच्चा इस डायरेक्शन में जा रहा है. कोई ग्रोथ तो है ना, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है. एक टेलीफोन कॉल और है, वो लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. मुझे ये बताइएगा कि जब पेरेंट को स्कूल की फीसेज बढ़ा के बताई जाती हैं, कहा जाता है कि जी आपको देना, तो वो किस दबाव से गुजरते हैं और उनकी ज़िंदगी में और आपस की रिलेशनशिप में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वो मैं आपसे ज़रूर बात करेंगे. लेकिन एक टेलीफोन कॉल है. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, दिस इज़ मिसेस दाऊद फ्रॉम इस्लामाबाद. देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सभी पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, एवरीबडी इज़ फेसिंग इट. लेकिन और इसके साथ मैं ये भी एक ऐड करूंगी, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि इतनी फीसेज होती हैं, लेकिन ये साथ में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें नहीं करवाते, स्पोर्ट्स के नाम पर भी ये लेते हैं,
बट कोई इनकी स्पोर्ट्स नहीं होती हैं. स्विमिंग क्लासेस हमने लेनी हो तो इनके पास पूल्स नहीं होते हैं. वैसे इनका आपका पता ही है फीस स्ट्रक्चर, सबको ही पता है कितना ज़्यादा होता है. तो हमें वो भी अलहदा से करवाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है. उसके लिए आप अलहदा स्पेंड करते हो. ये सब कुछ स्कूल्स आपके प्रोवाइड नहीं करते हैं, हालांकि हाईली आपसे ये अमाउंट ये फी के नाम पर लेते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी लेते हैं. दूसरा ये कि ये सारी बातें तो आप करते रहेंगे, आपके प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा है. प्लीज़ कि आपकी ये एजिटेशन जो है पेरेंट्स की डाई डाउन ना हो जाए, इसके सोल्यूशन दें, इनको गाइडलाइन दें इस प्रोग्राम में, ताकि आपका ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करे पेरेंट्स के लिए भी. अच्छा, मैंने अभी एक तजवीज़ पेश की है, आप मुझे बताइएगा ये ठीक है. और इन पेरेंट्स से भी बोलूँगा कि हम एक अगले वीक में, अगर ये अगले वीक तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो व्हाई डोंट वी गो लाइव विद यू गाइस एंड कुछ लोग जो आपके साथ और हैं राइट फ्रॉम द स्कूल और वेयर एवर यू आर. हम स्कूल को, आई प्रॉमिस यू, हम स्कूल की बिल्डिंग नहीं दिखाएंगे, आई प्रॉमिस यू, लेकिन वी नीड टू गो लाइव. देखें, जब तक हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी. सबको मिल के काम करना है, सबको एक साथ खड़ा होना है, और इस फियर के बगैर खड़ा होना है कि उसकी आउटकम क्या होगी. आउटकम हैज टू बी अ सोल्यूशन, इसके अलावा कुछ नहीं. एक और टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? साहिल लोधी से बात कर रहे हैं जी. बोल रहा हूँ मैं, ये मुझे आपके शो में बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है कि वाकई हम पेरेंट्स जो है, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ हैदराबाद से ना, हम लोग इसे बहुत परेशान है वर्किंग इजाफी चीजों से. अब ये मशहूर स्कूल है हैदराबाद का, यहाँ पर विद्यालय जानती है, मैं इनसे मुलाकात भी हो चुकी है उस स्कूल में, तो ये बिल्कुल जानती है. तो मतलब ये कितनी भी फीसें बढ़ा लेते हैं कि हर काम कितनी फीसें बढ़ा लेते हैं, तो हम लोग परेशान होते रह गए. इसके अलावा स्टेशनरी का खर्चा, सिलेबस का खर्चा, जो बुक्स पढ़ाई नहीं जाती है वो बुक आप लोग इंक्लूड कर देते हैं. स्टेशनरी कराई जाती है कि हम स्कूल में जमा करवाएं, पता है कि क्लास डेकोरेशन वो सब समझ गए. हम पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि क्लास डेकोरेशन के लिए भी स्टेशनरी हम भेज रहे. अच्छा, आई सीरियसली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब मैं ये पेरेंट्स की कॉल सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो भरे हुए हैं एकदम. किस दबाव से गुजर रहे हैं? देखिए, जब कभी स्ट्रेस आता है किसी शख्स की ज़िंदगी में तो चंद चीज़ें उसके अंदर तब्दील होती है. एक, गुस्सा बढ़ जाने की कैफियत बढ़ा देती है चांसेज उसके. दूसरा, गलत फैसला करने की सलाहियत बढ़ जाती है. सलाहियत नहीं है मगर गलत फैसला बढ़ सकता है. खुश होना या खुश रहने की जो इंसान केस है वो कम हो जाती है. अब जब घर में फीस के चालान आते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट फीस आती है तो सबसे पहले स्ट्रेस होता है हस्बैंड को, बिकॉज कमा के उसने देना है. ठीक है, वो स्ट्रेस पास ऑन करता है वाइफ को. तो वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू होता है. अच्छा, वाइफ जो है वो पास ऑन करती है स्ट्रेस बच्चों पर. तो पता चला द होल फैमिली अफेक्ट होती है सिर्फ एक फीस बढ़ जाने से. आप देखिए, पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ती है तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है घर के अंदर. मतलब आप साहिल समंदर पे नहीं जाते कि यार पेट्रोल नहीं है, पता नहीं कैसे करेंगे. तो उस पेट्रोल के ऊपर 4-5 रुपए में फर्क पड़ता है, तो यहाँ हजारों रुपए की बात है. तो आपकी पूरी फैमिली मुतासर होती है. वो असर आपकी औलाद पर होता है. औलाद पर जब असर होता है तो उसके अंदर स्ट्रेस आएगा, तो उसको गुस्सा आएगा, पढ़ाई से दिल उठ जाएगा, फिर वो कोशिश करेगा मुझे किसी तरह इम्तिहान पास करना है, चाहे चीटिंग से पास करूं. अच्छा, ये रवैये बनते हैं इंसान के. दो सवाल जी प्लीज, मैं दो सवाल छोड़ना चाहता हूं, उसके बाद आप बात कीजिएगा. पहला सवाल और सबके लिए छोड़ रहा हूं, अब तो आपने भी बच्चे बड़े किए, क्या आपने सिमिलर चीज़ें फेस की थी? ये एक सवाल, आप इसका जवाब दीजिएगा. दूसरी बात ये, अभी हमारे यहाँ जो कैमरा मैन है नदीम, उन्होंने आके मुझसे कहा कि सर भाई, जब स्कूल की फीसेज ली जाती हैं तो कहा जाता है कि जी समर्स की फीस इकट्ठी दे दें 2 महीने की, लेकिन हमें 2 महीने की सैलरी एडवांस तो नहीं मिलती, तो वो मसला क्या है? अशब ने, अभी जो हमारे साउंड इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जो भांजी है वो अपने फादर से पूछती रहती है, क्योंकि वो 2 जॉब्स करते हैं, कि आप हैं कहाँ. ये सारी बातें हैं सिर्फ एक स्कूल के फीस के बढ़ने की वजह से. आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. दो मुतासरा वालदैन हैं, पहले उनकी कॉल ले लें. अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी क्विकली. जी अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? मैं तुम्हारे बात कर रहा हूँ कराची से. जी कैसे हैं? मेरा भी इसी स्कूल से ताल्लुक है, इन द सेंस के मेरा बच्चा यहाँ पे जाते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ की जो फीसें हैं इज लाइक बैक ब्रेकिंग. 2 मंथ्स आपने देना होता है, फिर बीच में आके यू हैव टू गिव इट इन 3 मंथ्स. सो आई मीन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आपको वही बात है जो पहले बात हुई थी, आपको ना 2 महीने की एडवांस वो मिलती है, सैलरी मिलती है, ना 3 महीने की मिलती है, मगर यू हैव टू कट डाउन ऑन योर बजट. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. मुझे ये बताइए कि अगर ये लोग प्रोटेस्ट प्लान करें और हम वहाँ से लाइव जाएं तो आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे? I will definitely be there. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. डन डन, काउंट ऑन इट. एक और फोन कॉल है. अस्सलाम वालेकुम जी.
सलाम, साहिर बोल रहा है जी? साहिर बोल रहा हूँ। साहिर साहब मुबारकबाद हो, आपने इतना बर्निंग इशू उठाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शो आपकी वजह से देख रहा हूँ, इस टॉपिक की वजह से। मेरे भी कुछ प्रॉब्लम है कि जब मैंने हाजी साहब की कॉल सुनी तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरी आवाज है, ये मेरी आवाज है। अब्दुल हादी ने जो बोला सेम सिचुएशन मेरी है, ठीक है। चार बच्चे मेरे पढ़ते हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अगले 4 से 6 महीने तक की फीस जमा करा सकता हूँ। इसके बाद जो सबसे सस्ती चीज जो बचती है वो पेट्रोल बचती है, जो गवर्नमेंट ने सस्ता किया शायद, के बाद मेरे पास रास्ता नहीं, ठीक है। मेरे पास मेरी बेटी का रिश्ता आ गया है, अब मेरी बीवी प्लान कर रही है कि उसकी शादी का, तो मुझे हर सूरत में अपनी दो बेटियों दोनों बच्चों को स्कूल से हटाना होगा, ठीक है, तब तो मैं उसकी शादी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूँ बताइए मुझे। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, फिर हम बाकी किसी और से में बात करेंगे। अगर हम इस प्रोटेस्ट को प्लान करें मंडे को, तो क्या आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे खुद? बिल्कुल करूंगा। थैंक यू आपदा, यू हैव रेज्ड, अभी अभी एक सेकंड, अभी जल्दी जल्दी बात करते हैं आपदा, यू टेल मी, आपसे मैंने जो सवाल किया था तो वो अभी तक भुगत रही हूँ ये वाले सारे मसाइल। मैंने तो वो ह्यूमिलिएशन भी देखी हुई है। मैं सिंगल पेरेंट, सब कहते हैं कि फादर्स पे बहुत बर्डन होता है, सिंगल पेरेंट्स पे भी बर्डन बिल्कुल, और मैंने वो ह्यूमिलिएशन भी देखी हुई है जहाँ मेरे बच्चे को कि कोई परमानेंट जॉब नहीं, हमारी मीडिया की बड़ी हवाई सी काम होता है, आज है कल नहीं है, और वो जब बीच में ब्रेक आता है कि 6-8 मंथ्स नहीं है काम, तो फिर जो कर्जे आप पे चढ़ने शुरू होते हैं बैकलॉग में, और आपको जब दोबारा काम मिलता भी है तो आप वो कर्जे उतारो कि आप अभी के एक्सपेंसेस पूरे करो। बच्चों को कौन से बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, क्लास के एग्ज़ाम्स देने में नहीं बैठा जा रहा कि जी आप फाइन लगा लेना भाई, आपको बच्चा पढ़ाना ही है, हमने कौन सा भाग जाना है, नहीं जी वो पूरे स्कूल के सामने बच्चों को ह्यूमिलिएट करना कि आप क्लास में नहीं आ सकते। अच्छा वो जो पेरेंट और बच्चे का जो ट्रस्ट भी खराब होता है ना कि पता नहीं माँ है तो शायद नहीं कर सकती, नो आई हैव लिव्ड दैट, और अभी जैसे ये साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाती है बच्चे, इट हर्ट्स तो all of us, you know, over here, you're not alone. हम सब एक ही किश्ती में सवार हैं, और जब भी चाहे हेल्थ का इशू हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट, ये इस्लामिक रिपब्लिक है, इसको तो वेलफेयर के तौर पे एक चलाना चाहिए। जब हुकूमत एक कमर्शियल बिजनेस बन जाए, जब वेलफेयर के इदारे जो हैं वो एक कमर्शियल एंटिटी बन जाए, तो हम सारे कहाँ जाएंगे? सो वी शुड स्टिक टुगेदर। कहीं पर खुदारा आप लोगों से इल्तजा है, हम लोग कभी फिरकेबाजी में बढ़ जाते हैं, कभी पार्टीबाजी में बढ़ जाते हैं, ये एक ऐसा कॉज है कि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, इस एक चीज़ पे तो एका दिखाएं। ये क्यों घबराए हुए हैं कि पता नहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, मेरे बच्चे को ना स्कूल से निकाल दिया जाए, मैं सामने लाइमलाइट में क्यों ना नजर आऊं? ये हम सब का मसला है। अगर हम कॉल देते हैं प्लीज़ कम, यू आर गोइंग टू जी वेरी क्विकली, टाइम बिल्कुल नहीं जी, प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा है, गेस्ट ने बहुत अच्छी बातें की, एक पॉइंट मैं भी रेज करना चाह रही हूँ, वो ये है कि जब फी वोचर आते हैं 10 तारीख लास्ट हो, उसके बाद अगर अब हाँ बच्चा पे नहीं करेगा, इनके पेरेंट्स पे नहीं करेंगे, उसके बाद स्टैंड अप कर दिया जाता है क्लास में, उसके बाद इंसल्ट की जाती है, बच्चे की साइकी कितनी ख़राब होती है, किसकी जिम्मेदारी उसकी साइकी ख़राब होगी? फिर उसके बाद कुछ वजूहात होते हैं, कुछ होते हैं ना घरों में प्रॉब्लम्स, नहीं वेट करते वो, एक दो दिन का भी वेट नहीं करेंगे, वो फिर बोलते हैं धमकी थ्रेट देते हैं, प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे, बच्चे को ले जाते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के पास जाके खड़ा कर देते हैं, सारा दिन बच्चा खड़ा रहता है। बहुत माजरा चाहूँगा, हमूद आप बात करना चाहते हैं जी। ये जो खातून ने बात की है, बच्चों को ह्यूमिलेट करते हैं, थ्रेट करते हैं, स्कूल्स आर बाउंड, वो मजबूर हैं, वो पाबंद हैं कि 10% बच्चों को हर प्राइवेट स्कूल 10% बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का पाबंद है। अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो वो पाबंद है कि 10 बच्चों को फ्री पढ़ाएगा। ऐसा कहीं नहीं होता है, इसलिए भी नहीं होता है कि किसी को पता भी नहीं है, कोई जाके बात भी नहीं कर सकता, किसी को पता हो तो जाके बात करें। और जितनी वायलेशंस हो रही हैं फीस ना मिलने पे बच्चों को ह्यूमिलेट करते हैं, जबकि दे आर बाउंड टू गिव फ्री एजुकेशन टू एटलीस्ट 10% ऑफ देयर स्टूडेंट्स। मुझे एक बताना, वो कौन सा उस्ताद है जो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को खत्म कर दे? तो कर रहे हैं, वो उस्ताद ही नहीं है, उस्ताद ही नहीं है। एक सवाल है वो ये कि
हमारा ये बहुत कॉमन इशू है इस वक्त के बच्चे की स्कूलिंग बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन भी है, परेशानी भी है, सब कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर 5 साल का अगला विजन करें तो हम कहाँ, क्या एक बच्चे की 1.25 लाख रुपए फ़ीस देंगे? जिस परसेंटेज से इस वक्त फीसेस हाई हो रही हैं, क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम बच्चे को इसको रोक लीजिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, रोक लीजिए, हम इसको ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं, मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ ओपन एंड। आप सबका बहुत शुक्रिया ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं, लेकिन अब आप स्कूल की मैनेजमेंट से कह रहा हूँ और सारे स्कूल की मैनेजमेंट से कह रहा हूँ, इंतज़ार कीजिएगा उन वालदैन का जिनके साथ मैं खड़ा होऊंगा, आपदा खड़ी होंगी, रुड़ियापा होंगी, डॉक्टर मोइज होंगे और ये सारे पेरेंट्स होंगे और हम डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट। क्या अगले साल बच्चों की स्कूल एक मरतबा, बच्चों की स्कूल की फीस एक मरतबा फिर 25% बढ़ा दी जाएगी, 50% बढ़ा दी जाएगी? क्या 5 साल के बाद जो बच्चे आएंगे और स्कूल जाएंगे एक बच्चे की भी 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए होगी? क्या वाकई एजुकेशन पाकिस्तान में ऐसी हो जाएगी कि अपने कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकेगा? ये सारे सवालात होंगे, लेकिन अब आप ये सोचिएगा कि अगला मार्का कब होगा, क्योंकि अगले मार्के में DSNG लाइव होगी और उस जगह से होगी जहां ये स्कूल्स वाके हैं। आइदर यू बिकम ऑल राइट और वी आर गोइंग टू बी देयर। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, कल तक के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।